गोरखपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जिले में बुधवार को 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद से कोरोना से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। वहीं इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि बुधवार को कोरोना के 48 नए मरीज मिले हैं। इनमें 34 मरीज शहर के हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इसके बाद से जिले में मरीजों की संख्या 838 हो गई है, जिससे 446 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 373 कोरोना संक्रमित मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शहर के थाना कैंट में 5, माया बाजार में 3, इस्माइलपुर में 2, राजेंद्र नगर पश्चिम में 2 तथा हुसैनाबाद बिछिया कैंप, स्टार हॉस्पिटल, तारामंडल, मिर्जापुर, झारखंडी, पुरदिलपुर, एसएसपी कार्यालय, पुलिस लाइंस, एसएसपी आवास, बनकटा, निकट शनिदेव मंदिर, रानी डीहा, आदर्श नगर, रानी पार, बिलंदपुर, बरगदवा, गीता प्रेस और सदर में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बड़हलगंज में 11 मरीज, उरवा में 1, चरगावा में 1, कौड़ीराम में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मरीजों को पाए जाने के बाद उन सभी जगहों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है।